मेरा नाम डॉक्टर अमोल दीपक केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, सेक्सोलॉजिस्ट हूँ, रिएडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ और अकोला महाराष्ट्र इंडिया में एज अ साइकेट्रिस्ट प्रैक्टिस करता हूँ। हमारा केड़कर हॉस्पिटल है अकोला में। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ बहुत ही कॉमन टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक है इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स एंड डिप्रेशन। ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे नवयुवक है, लड़कियां है, लड़के हैं, जिनमें ये बहुत ही प्रेवलेंट है। इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी मतलब न्यूनगंड और डिप्रेशन। गौरतलब करने की बात ये है कि ये बीमारी होने के बावजूद वो व्यक्ति को पता भी नहीं रहता है कि हमें ये बीमारी है और एक्चुअली इसकी ट्रीटमेंट उपलब्ध है। वही बोझा, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स का बोझा और डिप्रेशन का बोझा लेकर जीते हैं और अपनी लाइफ को मिजरी और सफरिंग सहन करते रहते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है ये समझना कोई भी व्यक्ति को इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स है, अगर डिप्रेशन है तो उसको ट्रीटमेंट लेना बहुत ही जरूरी है। आजकल बहुत सारे लड़के लड़कियां हम देखते हैं जो सोशल मीडिया एडिक्ट हो गए हैं, फेसबुक के, व्हाट्सएप के, इंस्टाग्राम के, और जब इनको लाइक्स नहीं मिलते, जब इनको प्यार नहीं मिलता वर्चुअल मीडिया में, सोशल मीडिया में, तब ये डिप्रेस हो जाते हैं, तब इनका कॉम्प्लेक्स जो है वो इन्फीरियर हो जाता है। साथ में बहुत सारे लड़कियां हैं या जो लड़के हैं जिनका ब्रेकअप हो जाता है, या फिर अगर मार्क्स कम मिल गए पढ़ाई में, एग्जाम में मार्क्स कम मिल गए, मम्मी पापा ने डांट दिया, फ्रेंड्स ने फटकार दिया, फ्रेंड्स ने चिढ़ा दिया, तो पेशेंट को डिप्रेशन में चले जाता है पेशेंट, या उनको इन्फीरियर लगने लगता है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो एक छोटे से मामूली कारण के वजह से बोलते हैं कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं जान दे लूं, मैं आत्महत्या कर लूं, ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ खत्म हो गई है, मेरे लाइफ में कुछ भी बाकी नहीं है, मुझे काम में इंटरेस्ट नहीं लग रहा, मजा नहीं लग रहा, मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा, मैं जान दे दूंगा, कहीं तो भी चले जाऊंगा, किसी को मार डालूंगा या खुद ही मर जाऊंगा। मेरा ये लास्ट दिन है, आखिरी दिन है, ऐसे अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स पेशेंट बताता है। इंपॉर्टेंट ये है कि जब ये पेशेंट सिम्टम बताता है तो पेशेंट को वो सीरियसली हमने सिम्टम्स सुनने चाहिए और लिसन करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जब ये सिम्टम्स बताता है तब तो उसका मजाक उड़ाना या उसे हल्के में लेना ये गलत बात है। जब पेशेंट ये सिम्टम्स बताता है तो हमें ये समझना चाहिए कि पेशेंट एक्चुअली उस पर एक्शन भी ले सकता है। ये कंडीशन रिवर्सिबल है। अगर कोई पेशेंट बोलता है कि मुझे इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स है, डिप्रेशन है, न्यूनगंड है और मुझे निगेटिव फीलिंग्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जिंदगी भर ये फीलिंग्स चलते रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर किसी को ऐसी भावना होती है कि मुझे निगेटिव फीलिंग्स आ रही है, पूरी बॉडी में टेंशन है, मैं मरना चाहता हूं, मेरी जिंदगी जीने लायक नहीं है, मैं जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसे अगर फीलिंग्स आपको आ रहे हैं तो आपने एक क्षण भी वेस्ट न करते हुए साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। साइकेट्रिस्ट में क्या कर सकते हैं? सबसे पहले साइकेट्रिस्ट के पास जो कला होती है, आर्ट होती है, वो है आर्ट ऑफ लिसनिंग, मतलब सुनने की कला। अगर हम वो पेशेंट को, वो व्यक्ति को अगर सुन लेते हैं, अच्छे से लिसन करते हैं और उनसे एम्पथाइज करते हैं, उनकी अगर भावना हम समझ लेते हैं, तो पेशेंट का जो 50% प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगा और पेशेंट जो बोझ लेके चल रहा है वो कम हो जाएगा। तो वो साइकेट्रिस्ट डेफिनेटली कर सकते हैं, आर्ट ऑफ लिसनिंग नंबर वन। नंबर टू, ऐसे बहुत सारी हमारे पास एंटी डिप्रेशंस है, जो मूड स्टेबलाइजर्स है, जो दे के हम पेशेंट को शांत कर सकते हैं, जो और जो पेशेंट में जो इंपल्सिविटी है, जो आत्महत्या करने की या निगेटिविटी की जो भावना है वो सडनली ड्रॉप हो जाएगी और पेशेंट का जो जजमेंट है वो लाइन पे आ जाएगा। तो ऐसे 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 अलग अलग प्रकार के दवाइयां हैं जो हम दे के पेशेंट को शांत कर सकते हैं। एट द सेम टाइम हमारे पास एडमिशन की सुविधा है, पेशेंट को हम केमिकली स्टेबलाइज करके, एडमिट करके पेशेंट को हम रोक सकते हैं ताकि जो इंपल्सिविटी पेशेंट को हो रही है वो ना हो। पेशेंट को हम काउंसिलिंग कर सकते हैं, अलग 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 प्रकार की थेरेपीज है, थेरीज है, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी, डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी, ऐसे अलग अलग प्रकार की थेरेपीज है जिससे हम पेशेंट से बात कर सकते हैं, पेशेंट का जो स्ट्रेस है वो बाहर निकाल सकते हैं, पेशेंट को हम रियलिटी बता सकते हैं। सोशल मीडिया ये खाली वर्चुअल वर्ल्ड है, वो हम पेशेंट को बता सकते हैं और अलग अलग थेरेपीज पेशेंट के साथ यूज करके हम पेशेंट की जो प्रॉब्लम है वो कंप्लीटली बाहर निकाल सकते हैं। अगर फिर भी पेशेंट न सुधरे और पेशेंट कंप्लीटली निगेटिविटी से भरा हुआ है तो हम पेशेंट को ईसीटी,
मतलब इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी भी दे सकते हैं। जो पेशेंट सुसाइडल होते हैं उनमें इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी बहुत ही काम की थेरेपी है, तो ऐसे पेशेंट को हम ईसीजी भी दे सकते हैं। ऐसे अलग 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 प्रकार के जो ट्रीटमेंट है वो हम इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स और डिप्रेशन, ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें हम पेशेंट को दे सकते हैं। कुछ ही दिन पहले हमारे पास एक बहुत ही एस्पायरिंग यंग यूपीएससी प्रिपेयर करने वाला बंदा आया था और उसका कहना था कि उसका और गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया, उस दिन से वो बहुत ही सीवियर डिप्रेशन में चले गया। वो बोल रहा था कि मैं खाली सुसाइड करूंगा, मेरे सामने कोई भी प्रॉब्लम बचा नहीं। ऐसे पेशेंट जब हम हमारे पास आया तो हमने पेशेंट की काउंसिलिंग की, पेशेंट को दवाई दी और अभी उसके बाद जो नेक्स्ट फॉलोअप हुआ उसमें पेशेंट 50% बेटर फील कर रहा था। ऐसे अलग अलग प्रकार के पेशेंट्स हम देखते हैं और उनको इम्प्रूव करते हैं। दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स और डिप्रेशन ये एक मानसिक बीमारी है, मानसिक अवस्था है और एक टेम्पररी फेज ऑफ माइंड है जिसको हम अच्छा कर सकते हैं और जिसको ट्रीटमेंट से पूरी तरह स्टेबलाइज कर सकते हैं। इसलिए पेशेंट का साइकेट्रिस्ट के पास आना और ट्रीटमेंट लेना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ये वीडियो जरूर शेयर करिए, पेशेंट वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जल्द ही बाकी वीडियोस भी लेके आऊंगा। धन्यवाद।